ड्राइव किया ऑलिव प्रोडक्शन, ऑलिव यानी जैतून की जो पूरी कोशिश की इन्होंने कई 2-3 साल से लगे हुए थे। मैं आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो ऑलिव्स, ये जो जैतून की प्रोडक्शन है, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही इसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा, इसका सारे पाकिस्तान में इम्पैक्ट जाएगा। तो पहले तो मैं आप सबके सामने जो पाकिस्तान के मेन चैलेंजेस हैं वो रखूं। सबसे बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज फूड सिक्योरिटी। हम एक वक्त था कि गंदम एक्सपोर्ट करते थे, ये पिछले 2 साल में पहले हमने कोई 30 लाख टन इंपोर्ट की, इस साल 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट की। और उसी तरह चीनी का भी हमें इस बार इंपोर्ट करनी पड़ी। पहले से ही हम एडिबल ऑयल्स, जो घी, पाम ऑयल, हम वो इंपोर्ट करते हैं। तो जो आगे पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी है, सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी है कि हमने कैसे अपनी आबादी को न्यूट्रिशन देनी है, खाना, उनकी ग़िज़ा कैसे, उनकी प्रोटीन, ये कैसे हमने एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी कौम को फूड सिक्योर करें। उसके लिए खाने पीने की इतनी हम चीज़ें दें कि लोगों की जिंदगी हम बेहतर कर सकें। दूसरा, हमारे पास मसला है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हम जो दुनिया से इंपोर्ट करते हैं और जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। अब कम हो गया है, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट मिली थी तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। हम 60 अरब डॉलर की तकरीबन इंपोर्ट्स करते थे और सिर्फ 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते थे। तो अभी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमने इंपोर्ट्स अपनी कम किए हैं, लेकिन ये भी आगे बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। हमारा तीसरा चैलेंज क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन 10 मुल्कों में है जो सबसे ज़्यादा, जो ये मौसम में गर्मी पैदा हो रही है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, सबसे ज़्यादा वो 10 मुल्कों में पाकिस्तान भी एक है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है। और फिर इसके अलावा हमारी एक बढ़ती हुई आबादी है और हमारे दुनिया में दूसरा नौजवान आबादी है, यानी सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो उनको हमने नौकरियां देनी है, रोजगार देना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर शहरों के अंदर हमारे बड़ी तेजी से पोल्यूशन बढ़ रही है, आलूदगी, तो ये भी चैलेंज है। तो ये जो हम अपने 10 अरब दरख्त, 10 बिलियन ट्री सुनामी, इसका क्या, सबसे पहले इसका मकसद ये है कि जो आने वाली आगे हमारी नस्लों को सब खतरा क्लाइमेट चेंज से है, इससे ये जो हम 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा चैलेंज है, इससे हम अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनकी फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये सारे मुल्क में दरख्त लगाने के लिए। तो जितने भी हमारे जिनके बच्चे हैं उनको इसलिए शिरकत करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, जो नौजवान हमारे हैं उनको अपनी मुस्तकबल के लिए इस 10 अरब ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री सुनामी में शिरकत करनी चाहिए। ये आगे मुल्क की, ये सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बन गया, लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। तो ये जो आज हम ये ऑलिव प्लांटेशंस की, ये जो जैतून के दरख्तों की हम पूरा ये आज प्लांटेशन कर रहे हैं इतने बड़े इलाके के अंदर, इसका एक तो ये मकसद है कि हम अपने मुल्क पर शजरकारी कर रहे हैं। दूसरा मकसद कि जो जैतून है ये, इससे फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। जिस पैमाने पे हम यहाँ जैतून के दरख्त लगाने जा रहे हैं, तो बजाय पाकिस्तान इस वक्त अपना कीमती डॉलर्स अपने खर्च करें बाहर से एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करने के लिए, अगर हम कामयाबी से ये पूरी तरह, जो अब हमारा प्लान है,
सारे पाकिस्तान उस इलाके में जिधर जैतून लग सकता है और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में लग सकता है। ये जो दरियाए सिंध है इसका जो राइट बैंक है सारा सुलेमान रेंज तक ऊपर कबाली इलाका, ये सबसे बेहतरीन इलाका है जैतून के दरख्तों के लिए। और वो इलाके भी ऐसे हैं कि और कुछ ज़्यादा उग भी नहीं सकता वहाँ। वो जो सारा सुलेमान के जो पहाड़ हैं वजीरिस्तान के अंदर जो मैं खुद देखे हुए, उधर और ज़्यादा चीज़ें उग नहीं सकती। तो जैतून के लिए वो सबसे बेहतरीन इलाके हैं। तो ये सारा बलूचिस्तान तक नीचे बेल्ट जो है, ये सारे इलाके के अंदर जिधर और कोई चीज़ उग नहीं सकती वहाँ जैतून के लिए वो बेहतरीन इलाके हैं। तो ये जो हमारा ये जब हम ये जो कर रहे हैं आज हमने शुरू किया है और ये सारे पख्तूनख्वा के अंदर और अभी पंजाब के कई इलाकों में और बलूचिस्तान में भी ये जो कर रहे हैं, इससे पहले तो उन इलाकों में जिधर कुछ उग नहीं सकता उधर वो एक वो दरख्त उगेगा जो अगले 100 साल तक, यानी इसकी बड़ी लंबी उम्र होती है जैतून के दरख्त की। तो ये हमेशा के लिए हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये एक ऐसी चीज़ बन जाएगी, क्योंकि इसके जैतून तो दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसके बड़े फ़ायदे भी हैं, ये बेहतरीन कुकिंग ऑयल है। इसके कुरान शरीफ में इसका जिक्र है जैतून का। तो इसके वो फ़ायदे हैं जो कि अभी तक हमारा अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी, इस मुल्क में इतनी 12 मौसम दिए, लेकिन हमने फ़ायदा नहीं उनका उठाया। तो ये उसका अगला स्टेप है। फिर रोज़गार, ये जो शाह फरमान ने बात की, इन इलाके में हम नौजवानों को उनके साथ मिलकर रोज़गार दे सकते हैं। हम ये जो इसकी प्रोसेस के अंदर बड़े नौजवानों को नौकरियाँ मिल सकती हैं। ये जो इलाके हैं जैतून के, इन्हीं नौजवानों को हम इनके साथ बिजनेस भी मॉडल कर सकते हैं, इनको हायर इनको निगबान बना सकते हैं, जिस तरह के मिलिट्री सुनामी में उन इलाकों से हम लोगों को लेते हैं, वो पहले उसी इलाके के होते हैं पहाड़ी इलाके के, फिर वो अपने दरख्त भी बचाते हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं, नर्सरीज भी उगाते हैं। तो इससे एक पूरा एक रोज़गार का सिस्टम बन जाएगा नौजवानों के लिए। और जो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे डॉलर बचेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, हम बजाय एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करने के हम बल्कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम तो जो हमने ये पोटेंशियल देखा पाकिस्तान का, स्पेन में बहुत ज़्यादा वो जैतून का तेल एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा तो स्पेन से भी ज़्यादा पोटेंशियल है। हम तो दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर बन सकते हैं जैतून का। और इंशाल्लाह जो हम साथ साथ जो हमारा बड़ा मसला बना हुआ है आलूदगी का शहरों के अंदर, वो तो जो हमारी 10 मिलियन ट्री सुनाई में, और जो शहरों के अंदर अर्बन प्लांटेशन है जिसके अंदर एक नई टेक्निक निकली है मियावाकी, ये जापान से टेक्निक आई है कि वो एक ऐसा उन्होंने टेक्निक निकाला कि वो जो जंगल 30 साल में उगता है वो 10 साल में उग जाता है। और वो हम मैंने लाहौर में 50 जगह पे ये हमने प्लांट करवाए हैं, ये जो मियावाकी फॉरेस्ट है। ये मैं चाहता हूँ आप काजम अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अर्बन प्लांटेशन में पेशावर में करें ख़ास तौर पर, क्योंकि पेशावर में बहुत आलूदगी फैल गई है। पॉल्यूशन जो मैं लेवल्स पढ़ रहा था पोल्यूशन के पेशावर में, वो बहुत ऊपर चले गए हैं। तो आपको ये मियावाकी फॉरेस्ट की टेक्निक्स जिधर जिधर आपको इलाके मिलते हैं, थोड़े से इलाके में ये एक तो उगता ज़्यादा तेज़ है और एक ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, आम जंगल से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ये बड़ी साइंटिफिकली जापान के अंदर उन्होंने ये डेवलप की हुई है टेक्निक। तो शहरों के अंदर भी अपने लोगों वो भी अपने फ्यूचर में अपने बच्चों की अपने नस्लों की अपने जनरेशंस की उनकी सेहत के लिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि शहरों के अंदर भी हम ये अर्बन फॉरेस्ट्री करें। तो फिर से एंड में आपको शाह फरमान खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आपने ड्राइव किया ये सारी ऑलिव ट्री प्लांटेशन, ये जो ड्राइव है ये आपकी तरफ से थी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और आप हमारा सारा जो पाकिस्तान में जो हम 10 मिलियन ट्री सुनामी करें उसका हमें हिस्सा बना लेंगे। और आखिरी चीज़ मैं भूलना चाहूँ, फ्रूट ट्रीज़, हमारे पास फलों के दरख्त हम इसी के अंदर शामिल कर लेंगे, इससे भी मुकामी इलाकों के अंदर लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके लिए उनकी आमदनी में इजाफा होगा। पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ किस्म के फलों के दरख्त उग सकते हैं,
और इसमें मसला ये है कि हमने कभी सोचा नहीं इसका, हमारे पास 12 मौसम है। बड़े कम दुनिया में मुल्कों के पास 12 मौसम होते हैं। हम ऊपर से जो सबसे ऊंचे पहाड़ से हम जब समुद्र तक जाते हैं तो मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन्स हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ हम वो दरख्त उगा सकते हैं जिन जो जिस तरह ऑलिव वैल्यू एडेड इसको कहते हैं, इसके इस दरख्त से बहुत फ़ायदा हो सकता है बनस्पत उसी इलाके के अंदर। अगर आप मसलन गंदम उगा दें और उधर ही आप ये ऑलिव उगा दें, या एक एवोकाडो दरख्त है उसका इतना ज़्यादा जितना उससे फ़ायदा होता है, यानी वो जो एवोकाडो के दरख्त अगर उतनी इलाके में लगा दें तो उसकी लाखों रुपए ज़्यादा की आमदनी है 6 महीने की साल की जब उगता है। तो उसी तरह आप पूरी तरह सारे पाकिस्तान में जोनिंग करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि किस इलाके में कौन सा ऐसा आप फल लगा सकते हैं जिसमें आमदनी में लोगों की बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। वो इंशाल्लाह हम साइंटिफिकली सारे पाकिस्तान को मैप करके जोनिंग करके और एडवाइस करेंगे कि कौन सा पौधा किस इलाके में सबसे बेहतरीन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।